आप सभी को देसी रेसिपीज़ की तरफ से नए साल का राम राम क्योंकि आज नया साल है और पहला दिन है तो मैंने सोचा क्यों ना लंच बॉक्स में भी कुछ अच्छा सा बना दिया जाए तो मैं आज बना रही हूँ दही के आलू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रेसिपी है तो सबसे पहले यहाँ पर हम आलू को छील लेंगे अगर आप बिल्कुल नए आलू ले रहे हैं तो फिर छिलने की कोई नीड नहीं है उसके बाद हम इन्हें फोक की हेल्प से इसमें छेद कर देंगे ताकि ये बहुत ईजिली कुक हो जाए अब हम ऑयल को हीट करेंगे उसमें डाल देंगे हम इन आलू को और इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि ये बहुत ही जल्दी कुक हो जाए और लगभग इन्हें पाँच मिनट के लिए हम ढक कर पकाएँगे तो यहाँ पर हमने आलू को लगभग सेवेंटी फाइव परसेंट कुक कर लिया है तो चलिए मसाला बनाते हैं सबसे पहले यहाँ पर हम ऑयल हीट करेंगे इसमें डालेंगे हम जीरा हींग डालेंगे हरी मिर्च डालेंगे यहाँ पर क्रश किया हुआ अदरक डालेंगे एक प्याज़ डालेंगे इसमें डालेंगे हम मसाले तो यहाँ पर मसाले मैंने दही में बनाए हैं दही में हम डालेंगे हल्दी धनिया पाउडर लाल मिर्च पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक डालेंगी तो इन मसालों को अच्छे से मिक्स करके हम डाल देंगी अब इसे हम थोड़ी सी देर के लिए पकाने वाले हैं यहाँ पर मैं वन टीस्पून डाल रही हूँ भुना हुआ बेसन इससे क्या होगा कि दही फटेगा भी नहीं और बहुत ही अच्छा टेस्ट ग्रेवी में आएगा अब इसे अच्छे से हम पकने देंगे अगर आपको लगता है कि पानी कम है तो आप पानी डाल सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पर हमने जो आलू पकाए हैं उन्हें हम डाल देंगे और इसमें लगभग पाँच से सात मिनट के लिए हम आलू को पकने देंगे ताकि आलू जो है वो कम्प्लीटली कुक हो जाए तो यहाँ पर दही के आलू बनकर बिल्कुल तैयार है इसे हम गार्निश करेंगे धनिए से और थोड़ी सी कसूरी मेथी से तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है पूरे घर में बहुत ही अच्छी महक हो जाएगी आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना वीडियो पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो